वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आप सभी का स्वागत है जेरेफेडा प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज आपके लिए मैं आज लेके आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। डीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे पेपर वन में एंड मोस्ट स्कोरिंग यूनिट भी होती है। अगर आप इसको अच्छे से कर लो प्रैक्टिस तो आपके बहुत आराम से 8 से 10 नंबर है जो यहाँ से पक्के हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने वाले हैं। तो आज के सेशन में वो डीआई को करवाने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ऑल्दो अभी 2023 में मिसिंग फिगर्स काफी ज्यादा पूछी गई, बट स्टिल मैं ये बोलूंगी कि अगर अभी तक का मैं पैटर्न देखूं तो आपके पेपर में सबसे ज्यादा जो डीआई पूछी गई है वो इसी तरीके की डीआई है जो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो ध्यान से स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये होने वाला है और किस तरीके से मैंने अप्रोच किया है इस क्वेश्चन को वो चीज समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को, बट उससे पहले कुछ मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स की क्लासेस कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे होती है, तो चैनल को जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। जेरेफेडा वेबसाइट पे और जेरेफेडा एप्लीकेशन पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, 2019 से 2023 तक के पेपर आपको मिल जाएंगे। अभी तक नहीं किया है स्टार्ट तो कर लीजिए, इट इज हाई टाइम। प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, लास्ट के 10 दिन है, बहुत अच्छे से पेपर वन की तैयारी आपकी हो जाएगी। आगे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा टाइम टेबल है, आप फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए मैराथन सेशन स्पेशल सेशन कंडक्ट करती हूँ सैटरडेज एंड संडेज को, और साथ ही साथ मंडे टू फ्राइडे आपके लिए पेपर टू की क्लासेस होती हैं चैनल पे, एंड मंडे टू सैटरडे आपके लिए जेरेफेडा पे क्लासेस होती हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो लास्ट के 10 दिन हैं, अगर है मन की लास्ट के टाइम पे अच्छे से टेस्ट सीरीज लगा लें। मॉक टेस्ट अगर नहीं दिए हैं तो फोकस करिए मॉक टेस्ट पे, तो ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। इंडिविजुअली अगर पेपर वन या पेपर टू के लिए जाना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डीआई को स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डीआई होने वाली है। वन बाय वन पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको दोबारा एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना, एंड पहले पॉज करके खुद सॉल्व करना है, एंड देन जिस तरीके से मैं सॉल्व करवा रही हूँ उस चीज को आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि एक टेबल आपको दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दी गई है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज में आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे अब चीज क्या समझनी है कि जो परसेंटेज में आपके पास डेटा है उसको कैसे नंबर में बनाया जाए, और जो नंबर में आपके पास डेटा है उसको कैसे यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 6 डिफरेंट कॉलेजेस आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है। अब एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि अगर एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स होंगे स्टूडेंट्स में, तो अगर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हमें 60 गिवन है तो उस कॉलेज में जो बॉयज होंगे वो 40% होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 40% की वैल्यू 1000 है। फिर ऐसे ही कॉलेज बी में 40% अगर गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज होंगे, 60% की वैल्यू आपको दी गई है 1260। 55% गर्ल्स हैं तो 45% बॉयज होंगे, उनकी वैल्यू 720 है। तो इस अकॉर्डिंग आपको डेटा दिया गया है, क्योंकि परसेंटेज में जब हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल को हम 100 लेके चलते हैं, 100%। तो 100% में से अगर 40%, 60%, 55% गर्ल्स हैं तो 60%, 40% और 45% बॉयज हो जाएंगे, और उनकी वैल्यू हमें गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ गर्ल्स है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और टोटल स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं उनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में वो कितना प्रतिशत ज्यादा या कितना प्रतिशत कम है जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कॉलेज एफ में। कॉलेज ए और कॉलेज एफ, इन दोनों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता करने हैं। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मेरे पास 60% गर्ल्स की वैल्यू है तो यहाँ पे 40% बॉयज होंगे, 40% की वैल्यू 1000 मुझे गिवन है, तो यहाँ पे 1000 किसकी वैल्यू है, 40 की, मुझे निकालनी है टोटल की, मतलब 100 की। तो आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो, 2500 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। देन कॉलेज एफ में आपको वैल्यू दी हुई है 32% बॉयज हैं और उनकी वैल्यू है 960, तो आप इसको सॉल्व करोगे, 960 32 की वैल्यू है, आपको वैल्यू निकालनी है 100 की, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3000। अब हमें देखना है कि कितना डिफरेंस है कॉलेज ए और कॉलेज एफ के स्टूडेंट्स में। तो डिफरेंस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 500 का डिफरेंस है। आपसे बोला जा रहा है कि आप कंपेयर करिए कि कॉलेज ए के स्टूडेंट कितने ज्यादा या कितने कम है कॉलेज एफ के स्टूडेंट से। तो कॉलेज एफ से मुझे कंपेयर करना है, डिफरेंस है 500 का, कॉलेज एफ में 3000 बच्चे हैं, निकालनी है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय
सिक्स आंसर आ रहा है। और फ्रैक्शंस हमने याद किए हुए हैं, 1/6 को आप क्या लिखते हैं, 16.67, या बोल सकते हो 16:2/3 परसेंटेज। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन आए और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इसको 1/6 को मैं डायरेक्टली परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो 16:2/3 परसेंटेज लिख सकती हूँ, या फिर हम इसको 16.67 परसेंट भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16.67 इज द वेरी करेक्ट आंसर। आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे एक चार्ट, जिसमें मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज क्या यहाँ पे टेबल आपको दिया हुआ है, तो उस टेबल को आपको याद करना है तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि 1/6 जब भी आएगा तो वो 16:2/3 यानी कि 16.67 परसेंटेज हो जाता है। चलिए अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, और सेकंड क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करोगे, मैं आपको टाइम दूंगी फिर मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया गया, पूछा गया है कि आपको रेशियो बतानी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज डी टू द सम ऑफ सेम ऑफ कॉलेज बी। मतलब टोटल स्टूडेंट्स आप लीजिए कॉलेज डी में और टोटल स्टूडेंट्स ही आप लीजिए कॉलेज बी में, और उनकी रेशियो मुझे बता दीजिए। तो कॉलेज डी रेशियो कॉलेज बी, तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने का तरीका वही सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, और फिर आपको रेशियो में इसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, मैं आपको 20 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ। तो सबसे पहले कॉलेज डी का डेटा चाहिए, देन कॉलेज बी का। कॉलेज डी में हमें ये पता है 60% गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज हो जाएंगे, और 40% की वैल्यू आपको 1344 दी हुई है, और ये 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू। कभी भी जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पहले सॉल्व मत करिए इंडिविजुअली, एज इट इज डेटा को लिख लीजिए। कॉलेज बी में अब 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज होंगे, और 60% की वैल्यू 1260 मुझे गिवन है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो में हम कॉमन मल्टीपल्स को कैंसिल कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के टेबल पे 2 पे जाएगा 4, और 6 3 पे चला जाएगा। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1344 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 672 आएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 420 आंसर है जो यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको 3 के टेबल पे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। 2, 2 and 4 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और इसको मैं सॉल्व करूंगी तो 140 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। अगेन इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, अगेन 2 के टेबल पे आप सॉल्व कर सकते हो, 112 और ये 70 बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे 35 पे जाएगा और ये 56 पे चला जाएगा। देन इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे 7 के टेबल पे, तो 7 8 56 एंड 7 5 35, तो 8:5 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो आ गया है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या चीज यहाँ पे याद रखनी है, जब भी आपको रेशो में पूछा जाता है कि क्या रेशो होगी, तो आप एज इट इज उस नंबर को लिख लीजिए, पहले सॉल्व मत करिए, देन बाद में आप इसको नॉर्मल कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि रेशो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसमें हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज डी एंड ई टुगेदर। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, एवरेज निकालनी है गर्ल्स की कॉलेज डी और कॉलेज ई में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें परसेंटेज गिवन है और मेल मेंबर्स का नंबर गिवन है, या फिर बॉयज का नंबर हम बोल सकते हैं गिवन है, तो आपको गर्ल्स का नंबर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, अब मुझे ये पता है 1344 ये वैल्यू है 40% की, मुझे निकालनी है वैल्यू 60% की, तो मैं इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आप देख सकते हैं कैंसिल करेंगे तो 6 12 7 14 एंड 2, 672 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2016 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ई कॉलेज से देखनी है कितनी गर्ल्स होंगी, तो यहाँ पे 1170 ये वैल्यू हमें गिवन है 60% की, मुझे निकालनी है 40% की वैल्यू, तो अगेन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 के टेबल पे 3 3 9 एंड 3 9 27, तो यहाँ पे मेरे पास 390 आया, 390 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 780। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 780 और 2016। अब हम ऐड करेंगे 2016 और 780 को, तो आपके पास टोटल गर्ल्स आ जाएंगी डी और ई कॉलेज में, तो यहाँ पे 6 9 7 एंड 2, 2796 आंसर आ गया टोटल। अब मुझे निकालनी है एवरेज, तो 2796 को डिवाइड कर दूंगी 2 से, क्योंकि दो कॉलेजेस में गर्ल्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1398। ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी करेक्ट आंसर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको मैं टाइम दे रही हूँ 20 सेकेंड्स का, सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको डिफरेंस लेना है कॉलेज ए और कॉलेज सी की, गर्ल्स को टोटल करना है पहले, देन कॉलेज एफ में जो गर्ल्स हैं उनसे माइनस कर देना है। तो कॉलेज ए प्लस कॉलेज सी, इसमें से माइनस करना है कॉलेज एफ की जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनको। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो कॉलेज ए में कितनी गर्ल्स हैं पहले ये निकालना होगा, ठीक है, पहले उसको निकालिए, फिर कॉलेज सी की गर्ल्स एंड कॉलेज एफ की गर्ल्स, फिर डिफरेंस बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में ना एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि पैटर्न में वही वही चीज बार बार पूछी जा रही है आपसे, परसेंटेज से रेशियो में पूछ लिया जाता है, एवरेज पूछ लिया जाता है, तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, अभी हमने कॉलेज ए में कितने स्टूडेंट्स थे, कॉलेज सी में कितने स्टूडेंट्स थे और कॉलेज एफ में कितने स्टूडेंट्स थे वो हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन की है उसी का ही यूज कर सकते हो। तो ए कॉलेज में कैसे आपको सॉल्व करना है ये भी बता देती हूँ, और प्रीवियस जो हमने कैलकुलेशन की है उसका भी यूज कर सकते हो। तो 1040% की वैल्यू है मुझे निकालनी है गर्ल्स की वैल्यू, मतलब 60% की वैल्यू, तो 1500 आ जाएगा कॉलेज ए में। कॉलेज सी की अगर बात करूं तो कॉलेज सी में 720 बॉयज का नंबर है, नंबर ऑफ बॉयज है 45% का, 55% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 5 के टेबल पे 9 पे और ये 11 पे चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 पे, 80 × 11 = 880। तो आपके पास कॉलेज ए और कॉलेज सी में जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आई हैं वो आपको पता लग जाएंगी। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 2380 गर्ल्स हैं। अब कॉलेज एफ में कितनी गर्ल्स हैं ये निकाल लेते हैं। 960 वैल्यू है 32 की, मुझे निकालनी है 68 की वैल्यू। यहाँ पे इसको सॉल्व किया 30 पे ये सॉल्व हो जाएगा, 68 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 70 - 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 3 7 = 21 2100 आ गया, 3 2 = 6 एंड देन 60 आ गया। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो 2040 यहाँ पे नंबर आ गया। तो 2040 गर्ल्स हैं कॉलेज एफ में, तो 2380 गर्ल्स थी कॉलेज ए और सी में। तो डिफरेंस अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं और माइनस करने पे आपके पास डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 340। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस डीआई का, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो सी और एफ में गर्ल्स हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, सी और एफ दोनों में मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स लास्ट क्वेश्चन में ही कैलकुलेट किए हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ से निकाल लूंगी। तो देखो ए सी और एफ, तो एफ में कितनी गर्ल्स हैं 2040, तो यहाँ पे लिख दूंगी 2040। अब कॉलेज सी में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स आई हैं 880, तो यहाँ पे इसको लिख दूंगी एज इट इज। अब ये बोला जा रहा है कि आपके पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स आई थी ना उसमें से जो कॉलेज सी और एफ में गर्ल्स थी उनमें से 40% फाइनल ईयर में है। तो मैं इनको टोटल कर लूंगी पहले कि टोटल गर्ल्स कितनी है, इसको सॉल्व करने के बाद मैं इसका 60% निकाल दूंगी क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो फाइनल ईयर में नहीं है वो कितनी है। तो फाइनल ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं उनको माइनस कर देंगे, टोटल में से 40% माइनस करना मतलब 60% की वैल्यू, तो टोटल का 60% निकालना है और वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2920 का 60% कैलकुलेट यहाँ पे किया जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 292 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 = 12, 6 9 = 54 एंड 1 = 55 एंड 6 2 = 12, 12 and 5 = 17। तो 1752 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये डीआई को सॉल्व करना था, ठीक है। आपको ये तरीका समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार मैं अगर बात करूं 10 में से अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो इसी पैटर्न के आएंगे, तो ये पैटर्न सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप बिगिन कर रहे हो और 2023 दिसंबर में एग्जामिनेशन देना चाहते हो, वो सेट एग्जामिनेशन है या नेट एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो जहाँ पे डीआई पूछी जाती है, तो आपको इस तरीके से ही डीआई को सॉल्व करना होगा। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक सरप्राइज आपके लिए है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डीआई थी ये लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई थी जिसको मैंने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाती है, बट अगर ये लाइन ग्राफ फॉर्म में भी आएगी तो भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। करना वही है कि अगर 60% गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज हो जाएंगे, तो 1000 ये बॉयज की वैल्यू है, ठीक है। फिर इसके बाद 1260 है, अगर 40% गर्ल्स है तो 60% की वैल्यू ये है,
55% गर्ल्स है तो 45% बॉयज की वैल्यू है, यहाँ पे 40% की वैल्यू है, यहाँ पे 60% की वैल्यू है, और यहाँ पे हमारे पास ये 32% की वैल्यू है। तो इस अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको हेल्प करेगी डीआई को अच्छे से समझने में और सॉल्व करने में। बहुत सारी ऑलरेडी मैंने क्लासेस कंडक्ट की हुई हैं डीआई की, मैथ्स की, तो आप उनको भी कवर कर सकते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। टेक्निक समझना जरूरी है, टाइम को कम यूटिलाइज करके आप कैसे एक डीआई सॉल्व कर सकते हो वो समझना जरूरी है, और वही चीजें हमें यहाँ पे करते हुए चलना है। तो आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए सो दैट हम उन बच्चों तक रीच कर सके जिनको एक्चुअल में इन चीजों की रिक्वायरमेंट है और वो इन चीजों के बारे में अभी नहीं जानते हैं, सो दैट वो भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।